योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोचिंग टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में, गैस गीजर के बारे में, हमें कौन सा इलेक्ट्रिक गीजर लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा इलेक्ट्रिक गीजर लेना चाहिए। दोस्तों, कई दोस्तों कमेंट्स आए हैं कि सर हमें गीजर नया लेना है, हम कौन सा गीजर लें। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए कि हमें इलेक्ट्रिक गीजर में से कौन सा इलेक्ट्रिक गीजर लेना चाहिए। दोस्तों, आज मार्केट्स में बहुत ही इलेक्ट्रिक गीजरों की भरमार है दोस्तों, और आज बहुत ही कंपोनेंट, बहुत ही स्मॉल साइज के इलेक्ट्रिक गीजर भी आने लग गए हैं दोस्तों, 2 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर। दोस्तों, पहले भी आते थे लेकिन वो कम चलते थे, कम चलन में होते थे दोस्तों। पहले लोग 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर तक के गीजर खरीदते थे। दोस्तों, पहले वाले गीजरों की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही उत्तम होती थी दोस्तों। उनके अंदर कॉपर्स के टैंक होते थे, असेंबली बढ़िया होती थी, ब्रास और तांबे की जो मिक्स असेंबली आती थी वो होती थी, जो बहुत ही लॉन्ग लाइफ होती दोस्तों। लेकिन आजकल जो हमारे गीजर मार्केट्स में उपलब्ध हैं उनके अंदर आपको स्टील्स के टैंक मिलेंगे आपको, और स्टील्स की ही असेंबलियां मिलेंगी दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो ये उत्तम है लेकिन इतनी लॉन्ग लाइफ नहीं है जो पहले आती थी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर आपको एक से कंपनी को मिल जाएंगे। आप बाजार में जाएंगे तो आपको इतनी कंपनियां मिलेंगी, आपकी खुद कंफ्यूज हो जाएंगी कि हम कौन सी कंपनी का लें। और आजकल तो ऐसे इलेक्ट्रिक गीजर बाजार में उपलब्ध हो गए हैं दोस्तों कि अगर आप उसको ऑफ करना भूल गए हैं तो आप अपनी, अगर आप अपने ऑफिस में चले गए हैं तो वहां से आप मोबाइल से एसएमएस करके या उसको वहां से ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। टेक्निक बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दोस्तों सिद्धांत वही है, बेसिक वही है कि एक असेंबली होती है गीजर में, एक टैंक होता है दोस्तों, और एक मशीन राड होती है और एक थर्मोस्टेट होता है। इस सारों को मिलाकर एक उत्तम आपका इलेक्ट्रिक गीजर तैयार होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक गीजर लेने के बाद कई गीजरों में बहुत ज्यादा शिकायत आती रहती है कि हमारी राड्स लंबी नहीं चलती, लॉन्ग नहीं चलती। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका पानी खराब है, खारा है, तो आप कौन सा इलेक्ट्रिक गीजर लें। अगर आपका पानी साफ सुथरा है तो कौन सा इलेक्ट्रिक गीजर लें। दोस्तों, गैस गीजर भी आजकल बहुत चलन में है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनवाए हैं, लेकिन आप वो मेरे वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप बाजार में इलेक्ट्रिक गीजर खरीदने जा रहे हैं तो आप कौन सा इलेक्ट्रिक गीजर लें। नंबर वन दोस्तों, अगर सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक गीजर ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका परिवार कितना बड़ा है, आपके परिवार में मेंबर्स कितने हैं, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक गीजर लेना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में मेंबर 5 से ज्यादा है तो आप कम से कम 20 या 25 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर लें, अगर उससे ज्यादा है तो कम से कम 40 लीटर का इलेक्ट्रिक गीजर लें दोस्तों। दोस्तों, आजकल मार्केट में छोटे गीजर आए हुए हैं, वो दोस्तों इंस्टेंट होते हैं, जैसे आपने बटन दबाया और 5 मिनट में आपको पानी गर्म मिल गया दोस्तों। वो होते तो अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन उनकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर एक तो राड जो होती है वो बहुत ज्यादा पावर की होती है, आपकी लाइट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगी, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ जाएगा दोस्तों। जब आप बाजार जाएं तो आप सबसे पहले ISI मार्क का वाला ही इलेक्ट्रिक गीजर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि इन चीजों में हमें लोकल को महत्व नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम चीज एक बार ही लेते हैं और हमें चीज वही लेनी चाहिए जो हमारे एक बार लगने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स दे, जिसकी लाइफ अच्छी हो। आप कोशिश कीजिए, आप जो आप जहाँ से आप गीजर खरीद रहे हो दुकानदार से पता कीजिए कि इसके अंदर जिसमें पानी स्टोर होता है वो टैंक किस चीज का बना हुआ है, वो स्टील का है या कॉपर का है दोस्तों। उसके अंदर कितने थर्मोस्टेट लगे हैं, एक लगे हैं, दो लगे हैं, क्योंकि कंपनियां दोस्तों आजकल 3-3 थर्मोस्टेट भी अपने गीजरों में लगाकर देती है। उसके सेफ्टी पॉइंट कितने हैं, उसमें सेफ्टी का मानक क्या है दोस्तों, ये सभी बातें आप अपने उस डीलर से पता कीजिए दोस्तों। उसके बाद आप अपना साइज उसे बताइए कि मेरे को कौन से साइज का गीजर चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर आपका पानी खारा है और आप इलेक्ट्रिक गीजर ले रहे हैं तो उसमें आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों खारा पानी जो इलेक्ट्रिक गीजर की रोड होती है उसको बहुत जल्दी खराब कर देता है, उसके ऊपर
जो उसका खारे पानी का जो लिक्विड है वो जो जम जाता है और राड जल्दी खराब हो जाती है और आपको बार बार मैकेनिक की जरूरत पड़ती है जिससे आपके गीजर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर आपका पानी खारा है तो आप इलेक्ट्रिक गीजर ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा लें। दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर दो प्रकार के आते हैं दोस्तों, एक में रोड टैंक के अंदर लगती है दोस्तों, और एक इलेक्ट्रिक गीजर ऐसा आता है जिसमें रोड टैंक के अंदर तो लगेगी लेकिन वो पानी के संपर्क में नहीं आएगी। उसकी असेंबली एक विशेष प्रकार की होती है, उसकी असेंबली में एक ड्रम बना होता है जिसके अंदर हम उस राड को फिट करते हैं। उससे दोस्तों क्या फायदा है, उससे ये फायदा है कि आपकी रोड पानी के संपर्क में न आने के कारण उस रोड की जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाती है और वो खारे पानी का इफेक्ट उस रोड पर नहीं हो पाता क्योंकि वो एक सिलेंडर में सेव होती है दोस्तों। दोस्तों ये भी गीजर कई तरह के आते हैं, कई कंपनियों के आते हैं, लेकिन जो मैं कंपनी जानता हूँ मैं आपको उसका नाम बता सकता हूँ दोस्तों, विनस कंपनी के नाम से गीजर आता है दोस्तों। ये वो रोड और वो असेंबली यूज करता है दोस्तों, ये विशेषकर उन जगहों के लिए ही बनाए जाते हैं जहां पर पानी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। इससे आपके गीजर की लाइफ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, और उसमें सेफ्टी पॉइंट भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको खारे पानी के अंदर कौन सा गीजर यूज करना चाहिए और आपको कितनी कैपेसिटी का और कौन से मार्के वाला, ये सभी बातें मैंने आपको बताई। मैंने आपको ये भी बताया कि आप गैस गीजर कौन सा लें कौन सा नहीं, वो मेरे दूसरे वीडियो में है। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके आसपास खारा पानी है तो आप इस कंपनी का गीजर लें जिसके अंदर रोड एक्सटर्नल होती है, और अगर आपका पानी साफ है अच्छा है शुद्ध है तो आप इंटरनल रोड वाला गैस गीजर लें दोस्तों। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।